पानी की किल्लत से परेशान समता नगर के लोगों ने आज भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया। समता नगर वासियों के द्वारा विकास सिंह के अपने समर्थक संदीप शर्मा के साथ रोड नंबर 15 पानी टंकी के पास धरना प्रदर्शन किया गया और अधिकारी को बोला गया कि अगर जल्द ही पानी की तिलहर से छुटकारा नहीं मिलता है तो उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में मुख्य रूप से राकेश सिंह लोधी, रामप्यारे, मिथिलेश यादव, धर्मेंद्र पांडे, राजेश शर्मा, अजीत कुमार, विजय ठाकुर, जीवा झा और महिलाएं समेत कई संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड प्रभारी रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नगर के लोगों का कहना है कि हम लोगों को 15 दिन से मात्र 10 मिनट पानी मिलता है, जिससे हम लोग का दिनचर्या नहीं गुजरता है। इसके साथ ही इन लोग का यह कहना है कि अगर बगल में नदी रहता, बगल में नाला रहता तो लोग अपना काम कर लेते, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी स्थिति सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग आज अखबार के लोगों को लेके, स्थानीय लोग को लेके आए हुए हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे, एक संदेश देंगे उपायुक्त महोदया को। हम लोग यहाँ ताप जलाएंगे और यहाँ पानी फिल्टर प्लांट की ओर ताप देंगे कि आप भी गर्मी में रहिए, हम लोग जैसे गर्मी में आ रहे हैं बिना पानी का। ये ताप जलाएंगे और ये संदेश देंगे, और हम लोग को अगर पानी नहीं मिलेगा 2-4 दिन में, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम लोग पुनः पूरे मानगो वासियों को लेके फुड़का जाम यहाँ करेंगे। प्लांट चलते रहेगा, प्लांट को बंद नहीं कराएंगे, यहाँ अधिकारियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपना संवैधानिक तरीके से आंदोलन और विरोध का कार्यक्रम जारी रखेंगे। समता नगर के मेरे भाई लोग आए, पूछे क्या स्थिति है। नरकीय स्थिति बनी हुई है, पानी के बिना लोग मर रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं। टेम्पू चलाने वाले प्रजापति आए हैं, काम करने नहीं जा रहे हैं। पूछे सामने ये प्रजापति है, बताइए ये टेम्पू चलाने नहीं जा रहे हैं। भाई आप टेम्पू चलाने क्यों नहीं जा रहे, हम पानी ढो रहे हैं, इसलिए टेम्पू चलाने नहीं जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, ये गार्ड में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पानी की समस्या कितना है। क्या पानी की समस्या बताइए।